हेलो स्टूडेंट्स, स्टेटिस्टिक्स में हमने गाल पियर्सन के दो फॉर्मूलास किए थे। आज इसके हम एग्जांपल्स करेंगे। सो हमारा सम है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय ए सैंपल ऑफ सेवन कैंडिडेट्स हैविंग नियर द सेम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टू नो द इफेक्ट ऑफ लास्ट डेज प्रिपरेशन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ जीके ऑन द रिजल्ट ऑफ एग्जाम। Find the correlation coefficient between rating cards of last 3 days and mark obtained in exams from the data and interrupting. हमको क्या करना है? Correlation coefficient find करना है। हमारे पास data दिया गया है। क्या data है हमारे पास? तो rating cards दिए गए हैं and marks दिया गया है। Rating cards हमारे पास है तो उसको हम बोलेंगे x, क्योंकि correlation coefficient दो variable के बीच में दो वेरिएबल से कंपेयर किया जाता है, तो ये इसको हम एक्स बोलेंगे और इसको हम वाई बोलेंगे। तो हमको सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट स्टेप है डिफाइंड एक्स बार एंड वाई बार, दोनों के हमको मीन फाइंड करने हैं। दोनों के हमको मीन फाइंड करने होंगे तो हमको क्या चाहिए? एक्स का टोटल चाहिए। हमारे पास एक्स का टोटल नहीं है तो हम उसका टोटल करेंगे। सो तो हमारा आंसर होगा 231 x का टोटल, क्योंकि हम हमारा x बार का टोटल क्या है? x बार हमको चाहिए तो सिग्मा x डिवाइड बाय n, तो सिग्मा x हमको चाहिए तो सिग्मा x हमारे पास आ गया 231। तो 231 डिवाइड बाय n, तो हमारे पास हमारे टोटल कितने हैं? हमको काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 n equals to 7, तो हमारा मीन होगा 231 डिवाइड बाय 7, तो आंसर होगा हमारा 33। अब हम नेक्स्ट करें तो y का हमको टोटल चाहिए, क्योंकि y y बार का फॉर्मूला है सिग्मा y डिवाइड बाय n, तो हमारे पास y सिग्मा y नहीं है तो सिग्मा y हम फाइंड करेंगे, तो सिग्मा y हमारा होगा 504। 504 हमारा सिग्मा y है तो सिग्मा y को हम यहाँ पे रखेंगे 504 डिवाइड बाय n, तो इसका हमारा आंसर होगा 72। सिंस बोथ x बार एंड y बार आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स है तो इंटीजर का फॉर्मूला क्या था? इंटीजर का फॉर्मूला था आंसर होगा
माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 3 15, माइनस 3 इंटू माइनस 4 आंसर होगा प्लस 12, माइनस 5 इंटू माइनस 2 आंसर होगा प्लस 10, 1 इंटू 0 आंसर विल बी 0, 7 इंटू 7 आंसर होगा 49, 3 इंटू 3 आंसर होगा 9, 0 क्या मामा हमको यहाँ पे क्या करना है, इसका टोटल करना है, तो इसका टोटल आएगा 151। अब उसके बाद हमको क्या चाहिए, x माइनस x बार स्क्वायर एंड y माइनस y बार स्क्वायर, तो x माइनस x बार का होल स्क्वायर करना है, तो माइनस 8 का स्क्वायर होगा 64, 5 का स्क्वायर है 25, माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, माइनस 5 का प्लस 25, 1 का स्क्वायर होगा 1, 7 का स्क्वायर होगा 49, 3 का स्क्वायर होगा 9। अब हमको इसका भी टोटल करना है, इसका टोटल आएगा 182। अब हमको क्या करना है, उसी तरह से बाहर डिवाइड बाय 157.32।